वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 20 और 21 मई के माध्यम मेगा जॉब फेयर पूर्वांचल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 55 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और इसके तहत 4500 से अधिक युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करेगी। काशी के युवाओं का सपना साकार करने वाली पहली बार एयर इंडिया, योकोहामा, टायर, हिताची, गीतांजलि, होम्स इत्यादि कंपनियां रहेंगी। मंगलवार को कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल के प्रांगण में माध्यमिक स्टाफिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए माध्यम के डायरेक्टर ज्योति यादव ने बताया कि पूर्वांचल के युवाओं की रोजगार की समस्या को देखते हुए सन 2017 से माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन निःशुल्क युवाओं को भिन्न भिन्न सेक्टरों में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार देने हेतु एक बड़े मंच की आवश्यकता समझते हुए पिछले वर्ष 2022 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ मिलकर मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया, जिसमें 1134 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। पूर्व की भांति इस वर्ष भी मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 20 जून और 21 मई को विद्यापीठ एवं स्टडी एट होम लर्निंग ऐप के सौजन्य से होना सुनिश्चित हुआ है। 2 दिवसीय इस मेगा जॉब कास्ट में बहुत सी राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं स्थानीय कंपनियां प्रतिभागी रही हैं। मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशंस की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन हम लोग ने 2017 में स्टार्ट किया है और हमारा काम कंपनीज़ को एम्प्लॉय प्रोवाइड करना है, एचआर सर्विसेज देना है। और 2017 के बाद हम लोग ने इसमें पूरे नॉर्थ इंडिया में हम इस पर काम करते हैं और एमएनसी से लेकर नेशनल कंपनीज़ पे भी हम को डील करते हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग कोविड के बाद से माध्यम मेगा जॉब फेस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने हम पे भरोसा करके एक प्लेटफॉर्म देने की अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा, हम फर्स्ट जो हमने इवेंट किया था उसके बाद अभी हमने यूपी का सबसे बड़ा जॉब इवेंट कर रहे हैं, जिसमें 55 से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्राइटेरिया क्या होगी स्टूडेंट्स की, स्टडी की और जी इसमें कोई फीस देना पड़ेगा? इसमें जो विद्यापीठ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हमने निःशुल्क रखा है। इसके साथ साथ जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने 205 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन नॉमिनल रखा है। और इसके साथ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 20 और 21 मई को। स्टडी एट होम का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को स्किल बनाना। ये ई लर्निंग ऐप है जिससे बच्चे स्किल बनते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इस स्किल बेस्ड कोर्सेज को बहुत सराहा है, अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर हम बच्चों को स्किल बना देते हैं लेकिन नौकरियां जॉब्स नहीं देते हैं तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं है। तो हमें बच्चों को स्किलफुल बनाने के साथ साथ एम्प्लॉयबल भी बनाना है, हमें उन्हें नौकरियाँ भी दिलाना। बड़े मेगा फेस्ट के जरिए जहाँ पे ढेरों सारी कंपनियाँ आ रही हैं और वो 4500 वैकेंसीज हम लोग फिल करेंगे। तकरीबन हमें उम्मीद है कि 10,000 से अधिक बच्चे इस प्रोग्राम के लिए इनरोल करेंगे और उन्हें वहाँ कितने लोगों को लाभ होने की संभावना है। ये जो जॉब फेयर है इसमें एक बंदा अगर क्लास 12th पास किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन तक है वो सभी लोग इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 4500 वैकेंसीज़ के लिए ये एक जॉब फेयर लगाया जा रहा है। बहुत सिंपल बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो रोजगार मेला है ये कोई ठेले वाला मेला नहीं है। हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी इसमें से लिस्टेड कंपनी हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में हैं और जो ये समझती हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से वैल्यू देना होता है, वो कैसे अपनी कंपनी के अंदर रख के अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो कराते हैं, ऐसी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं इस कंपनीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? उकाया पावर है, उत्कर्ष बैंक है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर से लेके दिल्ली की कंसेंट्रिक्स एमएनसी कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। होटल अमाया है, बुल वेडिंग है और पीजी इवेंट्स हैं। इस तरह से काफ़ी रिक्रूटर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमने कंपनीज़ को बुला दिया और कैंडिडेट्स को बुला दिया, मेरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उनकी रिक्रूटमेंट हो जाए। अब उनकी रिक्रूटमेंट होगी कैसे? उनके पास अगर अच्छे स्किल्स भी होंगे डिग्री के अलावा तो निश्चित है उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, जिसके लिए हम कंटिन्यूस उन्हें हेल्प कर रहे हैं विथ एवरी काइंड ऑफ कोर्सेस। हम उन्हें ड्रेसिंग स्किल सिखा रहे हैं, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं, वर्बल स्किल सिखा रहे हैं, रिटन स्किल सिखा रहे हैं
उन्हें बहुत तरीके के फाइनेंशियल स्किल्स भी सिखा रहे हैं और ये सब कुछ उन्हें दिया जा रहा है स्टडी एट होम लर्निंग ऐप पे। ये सभी कोर्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं और बच्चा किसी भी समय इन कोर्सेज को कर सकता है। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं जिनकी फ़ीस भी हाँ इनकी फ़ीस होती है बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस होती है 300-400 रुपए के आसपास का ये कोर्स होता है। जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये कोर्सेज 25,000-20,000 रुपए के ये कोर्सेज कराए जाते हैं। इन कोर्सेज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है और उन्होंने बताया है कि ये हिंदुस्तान का बेस्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड अंडर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी स्टडी एट होम को दिया है।